हेलो बच्चों, चलो तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉल्यूशंस। अब हमने अपनी लोअर क्लासेस के अंदर पहले भी ये चीज़ पढ़ रखी है, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रखा है हमने पहले भी। क्या पढ़ा था कि भैया दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आपस में मिक्स किया जाए और वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाए, मतलब पता ना चले कि दो चीज़ों को आपस में मिलाया गया है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हम एग्जाम्पल पढ़ते थे, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, कि भैया आपने चीनी पानी में मिला दी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा देख के, समझ आया ना। तो यहीं पे सबसे पहले आपको एक टेबल मिलती है, जब आप ये चैप्टर शुरू करते हो तो आपको एक टेबल दिखाई जाती है कि ये देखो अलग अलग तरह के आपके सॉल्यूशंस बन सकते हैं। अब एक सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में हो, और सॉल्वेंट क्या होता है, तो हायर क्वांटिटी में हो, ठीक है। तो भाई देखो, अब बड़े अलग अलग थे, सॉलिड में सॉलिड को मिलाया, अभी सॉलिड में जब किसी सॉलिड को मिलाते हैं तो उसके होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल हैं, उनमें से एक एग्जांपल यहाँ लिखा है। कौन सा एग्जांपल, एलॉयज। एलॉयज की डेफिनेशन यही होती थी ना, होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़े तो हमने सॉलिड को लिक्विड में मिला के देखा, फिर सॉलिड को गैस में मिला के देखा, और जब वो मिक्स होते चले गए तो उनके हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए जहाँ पे वो होमोजेनियसली मिक्स हो जाते थे, मतलब बिल्कुल सही से मिक्स हो जाए, हमें पता ना चले देख के कि दो चीज़ों को आपस में मिक्स किया गया है। अब क्या इस चैप्टर में हमें इन सब के बारे में पढ़ना है? नहीं, हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, हमें कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। वो सेलेक्टिव कौन कौन से हैं, हम पढ़ेंगे सॉलिड इन अ लिक्विड के बारे में, लिक्विड इन अ लिक्विड के बारे में, और गैस इन अ लिक्विड के बारे में। मतलब हम वो तीन केसेस पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, समझ आ गए ना। हम उसमें ये तीन चीज़ें मिक्स करेंगे, सॉलिड इन अ लिक्विड, लिक्विड इन अ लिक्विड, और गैस इन अ लिक्विड। अब भैया सॉलिड को लिक्विड में मिलाने का एग्जांपल तो बहुत आसान है, सॉल्ट और शुगर इन वाटर, ठीक है। लिक्विड और लिक्विड का, एल्कोहल और वाटर आपस में मिला दो, ऑलमोस्ट कलर वगैरह सब सेम होता है, पता नहीं चलता आपने कि मिक्स की हैं दो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद गैस और लिक्विड, अब भैया कोल्ड ड्रिंक के अंदर पता है ना, सब बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, लेकिन क्या आपको दिखती है, नहीं दिखती ना, तो वो भी इसका एग्जाम्पल होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, या फिर आप इन्हें एयरेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हो, क्या बोलते हो, एयरेटेड ड्रिंक्स, इसीलिए इन्हें एयरेटेड ड्रिंक्स बोला जाता है, ठीक है। ड्रिंक्स आप लिख लेना आगे, ठीक है, समझ आ गया चैप्टर के अंदर क्या है, इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है। चलो शुरू करते हैं। भाई जब ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा ना आपको, तो सबसे पहले देखा चेक किया जाता है कि क्या आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और वो लोग आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो आप लोगों ने 11th के अंदर पहले ही पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 1 यही था पूरा का पूरा, है ना। क्वेश्चन आता है क्या आप लोगों ने सही में पढ़ा है, क्योंकि इन कंसंट्रेशन का यहाँ पर बहुत यूज़ है, इसलिए एक ओवरव्यू दे दिया जाता है इनके क्वेश्चन का, इसे एक छोटा सा पार्ट आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है 12th के अंदर फिर इसका जो मार्जिन होता है ना क्वेश्चन आने का, वो थोड़ा कम हो जाता है, जैसे 11th के अंदर फिक्स था इससे क्वेश्चन आना, 12th में ऐसा नहीं है, 12th में अब इसके क्वेश्चन आने बड़े रेयर होते हैं। चलो फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं इसे फॉर द सेफ्टी। तो पहली चीज़ जो होती है वो होती है मास परसेंटेज, ठीक है। अब मास परसेंटेज में सिंपली हम क्या करते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट के मिलाने से बना है, और आप जानना चाहते हो कि किसी एक कंपोनेंट को कितना यूज़ किया गया है, तो आप क्या करोगे, उसकी परसेंटेज निकालोगे ना, कि मतलब भाई मैंने एक चीज़ बनाई जिसके अंदर मैंने 20% ए मिलाया और 80% क्या मिलाया, बी मिलाया, मास नहीं किया ना। अगर आप इसी में मास के टर्म में बात करो, ठीक है, कि मैंने टोटल 20% ऑफ मास ए है और 20% ऑफ मास किसका है, बी का है, तो कहाँ से पता चला, मास परसेंटेज से ही ना। चलो तो बिल्कुल इतना ही इजी है ये कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा इसमें कोई टिपिकल है ही नहीं, पा करके देख लो। एक क्वेश्चन बोला गया है 34.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर, 400 ग्राम क्या है, वाटर है, और 32 ग्राम क्या है, 34 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। अब बताने की तो ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट कम अमाउंट में, और ये क्या है, वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। किसकी मास परसेंटेज निकालनी है, ग्लूकोज की, तो बस क्या करना है, मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन में
टोटल मास ऐसे ही तो निकाला जाएगा ना। चलो तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 34.2 ग्राम अपॉन में टोटल मास कैसे निकलेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट है 400 ग्राम का, सॉरी सॉल्वेंट है 400 ग्राम का और 34.2 ग्राम का ग्लूकोज है, इनको प्लस कर दोगे 34.2 अपॉन में नीचे प्लस किया तो 434.2 आ गया, डिवाइड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं भैया नहीं आएगा, 100 से भी तो मल्टीप्लाई करना होता है परसेंटेज के लिए, तो जो भी आंसर निकले इन्हें डिवाइड करने से उसे हर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपकी मास परसेंटेज मिल जाएगी। किसकी मास परसेंटेज मिल जाएगी, लेकिन ग्लूकोज की, क्योंकि अभी हम किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्लूकोज की। फिर वाटर की निकालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत मत करना, वाटर की परसेंटेज निकालने के लिए जो भी यहाँ ग्लूकोज की परसेंटेज निकले उसको 100 में से माइनस कर देना, ठीक है, इसी वैल्यू को यहाँ रखना, माइनस करना 100 से, आपको परसेंटेज ऑफ वाटर मिल जाएगी। मतलब अगर 20% आपका ग्लूकोज निकल के आया तो पक्का वाटर कितना है, 80%, बचा हुआ हिस्सा वाटर का ही तो होगा ना। चलो ये चीज़ क्लियर हुई, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब यार नेक्स्ट एक नई चीज़ आप लोगों को इंट्रोड्यूस की गई, पार्ट्स पर मिलियन, इसका यूज़ किस लिए होता है। देखो अब आप लोगों को कुछ ऐसी क्वांटिटीज पढ़नी है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट कम होता है लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही कम होता है। जैसे अगर आप वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्रिस्टल ढूंढना शुरू कर दो, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस कितने मौजूद हैं, तो वो आपको बहुत कम अमाउंट में मिलेंगे। तो उनको नापने के लिए बनाए गए ये मेजरमेंट, पार्ट्स पर मिलियन। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1/10^6। जैसे परसेंटेज का मतलब हमेशा 100 होता है ना, 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन के लिए क्या होता है, 1/10^6, ठीक है। 1 ppm, अब इसे मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने का तरीका होता है 1 mg/kg या 1 μg/g। कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, मिलीग्राम किलोग्राम से कितना कम होता है ज़रा बताना, 10^6 ही तो कम होता है ना, 1 mg/kg है ना, और 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 10^6 kg के बराबर, मिलीग्राम के बराबर सॉरी, है ना, कट गया मिलीग्राम मिलीग्राम, 1/10^6 बन गया ना। वैसे ये भी देखो माइक्रोग्राम और ग्राम, ये भी कितना होता है, 6 times ही बड़ा होता है ना, तो बिल्कुल दोनों चीज़ें सेम है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अब अगर मैं बोलूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूँ कि एक सॉल्यूशन के अंदर कोई भी आपको चीज़ मौजूद है, कितनी मौजूद है वो, 0.033 g/kg। अब देखो मेजर करते समय कितने सारे पॉइंट में आए ना, बोला गया इस कंसंट्रेशन को ppm में लिख के दिखाओ, किस में लिखना है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन में। तो मुझे याद रखना है किलोग्राम के साथ किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में, किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में, ठीक है। देखो मैंने अपने डेफिनेशन में भी लिख दिया था कि ये ट्रेसिस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, ट्रेसिस मतलब जो चीज़ बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, 0.033 g, 1 g में 1000 mg होते हैं, ठीक है, मिलीग्राम पर किलोग्राम, मल्टीप्लाई करो आपस में कितना आया, 33 mg/kg, यही आया ना। इट मीन्स ये जो भी सॉल्यूट है आपका ये कितना मौजूद है, 33 ppm, कितना मौजूद है, 33 ppm। समझ आ गया पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ कैसे होता है, इम्पोर्टेंस समझ आ गई कि जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी में मौजूद हो तब आप इस वाली टर्म का यूज़ करते हो, ठीक है, मेजर करने के लिए। ओके, दो चीज़ें क्लियर हुई, मास परसेंटेज और दूसरा पार्ट्स पर मिलियन। आगे बढ़े, चलो अब अपनी थर्ड क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी थर्ड क्वांटिटी है मोल फ्रैक्शन। क्लास 11th के अंदर मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, फिर भी मैं एक बार इसे अच्छे से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। चलो मानो आपके पास एक सॉल्यूशन है बीकर के अंदर जिसके अंदर आपने दो चीज़ें मिलाई, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर आपका सॉल्यूशन बनाया है। अब आपने क्या किया, आपने 2 moles ए के डाले, ठीक है, और 4 moles किसके डाले, बी के डाले, ओके।
अब आप कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, भैया बताओ ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मतलब ए कितना मौजूद है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यार मोल फ्रैक्शन का साइन होता है काए, क्या साइन होता है काए, किसका निकालना है ए का, तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स किससे मिलके बने हैं जरा देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ए के कितने मोल हैं, दो, और टोटल कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, दो ए के हैं चार बी के हैं, टोटल छः है ना, कट गया तो कितना आया 1/3, या फिर मैं लिख सकता हूँ 0.33। ये किसका मोल फ्रैक्शन निकला, ए का। अच्छा बी का निकालना हो अब तो, अब भैया बी के निकालने के दो तरीके, या तो उसका भी फॉर्मूला लगाओ एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ठीक है, यहाँ पे एन बी की जगह 4 पुट करो, वरना इतनी मेहनत क्यों करनी, ए का तो फाइंड कर ही लिया है ना, बी का फाइंड करने के लिए 1 में से माइनस कर दो, बिकॉज फ्रैक्शन कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पे, तो 1 में से माइनस किया कितना आ गया 0.66 ऑलमोस्ट, या फिर 0.67 लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन इतना इजी कभी नहीं आता, क्वेश्चन के अंदर आपको ए और बी मोल्स के अंदर नहीं दिया गया होगा, किसके लिए अंदर दिया गया होगा, ग्राम्स के अंदर, तो पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। मतलब कोई बोल दे कि बताओ मेरे पास 100 ग्राम पानी का है, किसका है, वाटर का है, ठीक है, और मैंने बोला कि मैंने उसके अंदर 24 ग्राम जो है कार्बन डाल रखा है, क्या डाल रखा है, कार्बन, वैसे दोनों चीज़ें मिक्स ही नहीं होंगी, सॉल्यूशन नहीं बनेगा, मैं बस एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बोले मोल फ्रैक्शन निकालने को, किसका, कार्बन का मोल फ्रैक्शन, कि मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखो ये मोल फ्रैक्शन का साइन है, किसका निकालना है, कार्बन का, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास, याद रहेगा ना, मास कितना दिया गया है 24 ग्राम, और कार्बन के एक मोल का मास कितना होता है 12 ग्राम, तो टोटल कितने मोल हैं यहाँ पे, 2 मोल्स, ठीक है ना। ऐसे ही वाटर के लिए भी करेंगे, वाटर के लिए क्या करेंगे, 100 ग्राम को 18 से डिवाइड करेंगे, दोनों के मोल्स फाइंड हो जाएंगे, पुट करेंगे, उससे इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। समझ आ गया पूरा का पूरा, बिल्कुल यही फिनोमिना मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब भैया ये तो नोट्स हैं आप लोगों के लिए, इसलिए इनको थोड़ा अच्छी राइटिंग में रखा मैंने, ठीक है। ये देखो साइन मैंने बता दिया काय का होता है, ए और बी कंपोनेंट समझा दिए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बता दिया डब्ल्यू अपॉन में एम गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हो जाती है जब आप गैसियस मिक्सचर्स वगैरह के साथ कैलकुलेट कर रहे होते हो, इस चैप्टर के अंदर तो इस फॉर्मूले का दबा के यूज़ है, तो मोल फ्रैक्शन इसलिए बड़े अच्छे से समझ लेना, ठीक है। समझ आ गया मोल फ्रैक्शन अच्छे से, और क्वेश्चंस देखने हैं इसके, चलो इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखो मोल फ्रैक्शन का, बोला गया है कि आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मतलब भैया बेंजीन और CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इन दोनों को मिला के आपने एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। अच्छा इनको लेके अभी आगे भी एग्जांपल आने वाला है, इससे ये पता चलता है कि बेंजीन CCl4 के अंदर मिक्स हो जाता है, तभी तो सॉल्यूशन बनाया ना दोनों का। बोला गया 30% जो है उसका बेंजीन है, मतलब मैं बोलूँ कि अगर मेरा टोटल सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम का है, तो बेंजीन कितना ग्राम मौजूद है, 30 ग्राम, CCl4 कितना ग्राम मौजूद है, बचा हुआ 70 ग्राम। मुझे निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, बेंजीन को मैं अभी बी साइन से मेंशन कर रहा हूँ और CCl4 को मैं सी साइन से मेंशन कर रहा हूँ, तो मुझे किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, बेंजीन मतलब बी का, ओके। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब बेंजीन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि इन दोनों के मोल्स को प्लस करके निकलेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब भैया जिसकी कैलकुलेशन अच्छी ना वो तो इसी में सब कर सकता है, गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन में मोलर मास ऑफ बेंजीन, फिर इसके लिए गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन में मोलर मास ऑफ बेंजीन प्लस गिवन मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड
प्लस मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जिसको ऐसे दिक्कत हो ना इतने सारे नंबर एक बार उतारने में, पहले वो अलग अलग कैलकुलेट कर लो, पहले NB को अलग कैलकुलेट कर लो और NC को अलग कैलकुलेट कर लो। अच्छा, बेंजीन का गिवन मास कितना है? 30 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है बेंजीन का? मोलर मास बेंजीन का कितना निकलेगा? फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो 12 × 6 = 72 प्लस 6 हाइड्रोजन के, एक होता है ना इसका मास, 12 × 6 = 72 प्लस 6 78 78 डिवाइड करोगे मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना ग्राम दिया गया है? 70 ग्राम दिया गया है। मास कितना होगा इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब एक कार्बन और चार क्लोरीन, 35.5, 35 × 70 71 हो गया, 71 को क्या, तो 142, 142 और 12 154, लगभग भैया यही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दोगे NB के साथ, आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए, ठीक है। गिवन मास 70 ग्राम है और मोलर मास 154, NB फाइंड हो गया, NC फाइंड हो गया, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा किसका? बेंजीन का। क्वेश्चन के अंदर वैसे बोला तो नहीं गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल फ्रैक्शन निकालो, लेकिन निकालना होता तो कैसे निकालते? 1 में से माइनस कर देते बेंजीन वाला, वो भी फाइंड हो जाता। समझ आ गया क्वेश्चन अच्छे से? इसकी वैल्यू ज़रूर कैलकुलेट करना, ठीक है। मैंने आप लोगों को सॉल्व करना पूरा सिखा दिया है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया मोल फ्रैक्शन समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। हाँ, अभी तो देखो, अभी हमारे सामने क्या है? मोलैरिटी। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, 11th के अंदर सबसे ज़्यादा को दो चीज़ें मिली, एक मोलैरिटी और दूसरी मोलैलिटी, ठीक है। उनमें से पहला फॉर्मूला ये रहा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। चलो, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों ने इसका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था 11th के अंदर, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन डिपेंड नहीं करता। अब इसका क्वेश्चन तो दिख ही रहा है सबको, लेकिन इसके अंदर मोलैलिटी भी निकालनी है, ठीक है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मोलैलिटी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। मोलैलिटी को भी एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को बनाते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। डेफिनेशन लिख दी मैंने, और मैंने क्या बोला, ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से आपके मास में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला, जबकि मोलैरिटी में यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था और वॉल्यूम में चेंज आता है विद द टेम्परेचर, पता है ना ये बात। चलो, क्लियर हुए दोनों फॉर्मूले? अब क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करने से और भी ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। मैं दोबारा से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अच्छे से देखो और फिर उसे खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। लो भैया, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया। बोला गया एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है 180 ग्राम पर मोल का, ठीक है। इसे वाटर के अंदर मिक्स किया गया और ये 10% बाय मास है। 10% बाय मास का मतलब तो समझ ही गए होगे ना, कि अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें से 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज। और बचा हुआ 90 ग्राम क्या है? वाटर, ठीक है। क्लियर हुआ? आपको निकालना क्या है? मोलैलिटी और मोलैरिटी, ठीक है। आपको डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, कितनी डेंसिटी दे रखी है? 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को आप करना शुरू करते हैं। भाई ध्यान से देखो, यहाँ मैंने ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ठीक है। जरा मैं पेन का यूज कर लेता हूँ। मोलर मास आपको सॉल्यूट का कितना दे रखा था? 180 ग्राम पर मोल, देखो चेक कर सकते हो, ठीक है। ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम होता है। डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर मोल, और क्योंकि बोल रखा है कि 10% है बाय मास, ठीक है, इसका मतलब गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 10 ग्राम, ठीक है। वाटर कितना है? 90 ग्राम। पहले क्या फाइंड करें? चलो पहले फाइंड कर लेते हैं मोलैलिटी को, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट यहां पे क्या है? ग्लूकोज, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो भैया सॉल्व आप लोगों को खुद करना है, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है,
ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका 10 ग्राम, डिवाइड कितने से किया मोलर मास से, मोलर मास कितना है 180 ग्राम, ठीक है। तो ये तो निकल गया इसका नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स, ओके। चलो मैं आप सारी वैल्यू नीचे पुट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख देता हूँ मैं 10 अपॉन में 180, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, लेकिन किलोग्राम में लिखना हो किलोग्राम के लिए इसे भी मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, समझ आ गया। सॉल्व कर लोगे अब इसे, इसे सॉल्व कर लेना, तुम्हारा मोलैरिटी का आंसर मिल जाएगा। अगला करते हैं मोलैरिटी को। अब मोलैरिटी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट वही है ग्लूकोज ही है ऊपर की तरह, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब भैया ये निकालना तो मुश्किल नहीं था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता थे 10/180, है ना। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो यार वॉल्यूम निकालने के लिए याद है एक फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास अपॉन में डेंसिटी, है ना। अच्छा टोटल मास यहाँ पे वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का ना, तो मास भी किसका पुट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का। और टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम लेट किया था ना हमने, टोटल सॉल्यूशन का मास जो था वो 100 ग्राम लेट किया था, तभी तो 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम वाटर निकला। तो मास की जगह पुट करो 100 ग्राम, और डेंसिटी तो आपको गिवन ही है कितनी 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। निकल गया वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम की जगह मैं क्या मेंशन करूंगा, 100 अपॉन में कितना 1.2 ग्राम। लेकिन अभी भी एक चीज़ छूट रही है, ये भी पर ml है, ठीक है। तो लीटर के लिए आपको इसे फिर से किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे की तरफ भेजा इसलिए मैंने, ठीक है ना। जो भी वॉल्यूम निकलेगा उसे 1000 से डिवाइड करोगे तब जाके आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा लीटर्स के अंदर, समझ आ गया। ये सारे डिजिट आपके सामने मैंने मेंशन कर दी, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं आराम से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे शुरू करते हैं अगली क्वांटिटी की तरफ। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पहुँच चुके हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर, और एक्चुअली में इस चैप्टर की जो शुरुआत है ना वो अब हुई है, ठीक है। आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर लिए गए कि क्या आपको सारे के सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स पता हैं कैलकुलेट करने के लिए या फिर नहीं। अब जब आप लोगों को पता थे तो उन्होंने कहा चलो भाई अब जरा चैप्टर को देखते हैं, सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं अलग अलग तरह के। उससे पहले उन्होंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। चलो मैं इसे भी एक एग्जांपल से बताता हूँ। इधर देखो, मानो मैंने 100 ग्राम वाटर लिया, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, या थोड़ा और आसान कर देता हूँ अपनी नॉर्मल भाषा में, 1 लीटर वाटर लो, 1 लीटर पानी लिया, तुमने चेक किया कि उसके अंदर मैं 20 ग्राम चीनी घोल सकता हूँ, कितनी चीनी मेरी मिक्स हो सकती है, शुगर, कितनी 20 ग्राम, ठीक है। लेकिन ऐसा कब हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब देखो किन किन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं इस 1 लीटर को 2 लीटर कर दूँ तो पक्का अपने आप चीनी भी ज़्यादा घुलेगी, 40 ग्राम शुगर हो जाएगी, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए डेफिनेशन अभी मैं पढ़ूंगा, उसके अंदर देखना लिखा होगा फिक्स सॉल्वेंट होना चाहिए, ये सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स करो, ठीक है। अगली चीज़ टेम्परेचर का भी तो फ़र्क पड़ता है, अभी अगर मैं इसी को हीट कर देता 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाता, ठीक है, तो उसी 1 लीटर पानी के अंदर आपकी ज़्यादा चीनी डिजॉल्व होने लगती ना, पक्का ज़्यादा डिजॉल्व होती, थोड़ी बहुत ही होती, लगभग 22 ग्राम हो जाती, लेकिन होती तो ना ज़्यादा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसे चेक करना ज़रा। डेफिनेशन के अंदर बड़ा साफ साफ बोला है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो किसी भी फिक्स्ड सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो, ठीक है, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स करो, फिर टेम्परेचर भी फिक्स करो, और फिर देखो कि उसके अंदर कितना सॉल्यूट मिक्स हो रहा है। जितना सॉल्यूट मिक्स हो रहा होगा वही उसकी
सॉल्युबिलिटी बन जाएगी। समझ आ गया सॉल्युबिलिटी का? चलो, अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तीन सॉल्यूशंस के ऊपर स्टार लगाया था, उसमें से पहला हम पढ़ने जा रहे हैं द सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, देख के ही पता चल रहा है सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर या फिर शुगर इन वाटर, दोनों के दोनों इसी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलो बच्चों चेक करते हैं। अब हमें पता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता चलता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट डालने वाली हैं कि मेरा सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स होगा या नहीं होगा। तो पहला तो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सिंपल मतलब तुम किस चीज़ को घोलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बड़ा अच्छा कोट बनता है यहाँ पे, द लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक जो है वो केवल लाइक को ही डिजॉल्व करेगा, मतलब पोलर सॉल्यूट्स केवल पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होंगे। ठीक है, समझ आया? पोलर सॉल्यूट किसके अंदर डिजॉल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। जैसे नमक हो गया, पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है ना, लेकिन क्या मैं इस नेप्थलीन की बॉल को कभी पानी के अंदर डालूंगा तो डिजॉल्व होगी? कभी नहीं होने वाली, क्योंकि वो नॉन पोलर होती है। ठीक है, जिसने नहीं पता, नेप्थलीन की बॉल जो होती है वो बेंजीन रिंग्स के जुड़ने से बनती है, दो बेंजीन रिंग होती है आपस में, इसलिए वो नॉन पोलर हो जाती है। ठीक है, लेकिन वही नेप्थलीन की बॉल जो है बेंजीन के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। भैया ये चीज़ तो हम अपनी लैब के अंदर भी करते हैं। ठीक है, नमक लेकिन बेंजीन के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। बेंजीन जो होता है एक तरह का सॉल्वेंट है। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, इसके अंदर आप अपना सॉल्युबिलिटी चेक करते हो, मतलब अभी आप लोग नहीं लेकिन मैं तो करता हूँ अपनी लैब के अंदर। ठीक है, तो बेंजीन क्या है, एक तरह का सॉल्वेंट है जिसके अंदर अपना सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, और हमने क्या पाया कि वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए उसके अंदर केवल नॉन पोलर सॉल्यूट्स ही डिजॉल्व हो सकते हैं। क्लियर, NaCl वाटर के अंदर हो रहा है क्योंकि दोनों पोलर पोलर हैं, और नेप्थलीन बेंजीन के अंदर हो रही है क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं। क्लियर हुआ पहला पार्ट? तो इस वाले ने क्या बात बताई आपको कि भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, मतलब किसको किसमें डिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। समझ आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। चलो बच्चों अब अपने नेक्स्ट फैक्टर को देते हैं। ठीक है, अभी अभी जब मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था वहां तो मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया कि आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो आपका शुगर ज्यादा डिजॉल्व होने लगेगा। लेकिन क्या ऐसा हरदम होता है कि मैं अपना टेम्परेचर बढ़ाता चला जाऊं तो मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा? पढ़ा है ना, बस लोअर क्लासेस के अंदर बताया जाता है सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, मतलब अगर कहाँ जहाँ पे 20 ग्राम मिक्स होना है उसकी जगह अब आपका 25 ग्राम मिक्स होगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दो। क्या हर चीज़ के साथ ऐसा होता है? नहीं, इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलो उन्हीं को चेक करते हैं। बोला गया है कि जब डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। समझ आ गया सारा का सारा, है ना? नहीं आया? चलो फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ऐसा समझो कि भैया एक मेरे पास ए सॉल्यूट है, ठीक है, और बी मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो मेरे को ए को बी में मिक्स करना है। ठीक है, अब वैसे ये चीज़ तो बहुत हाई लेवल पे मैं आप लोगों को बता सकता था, पहले इजी लेवल पे समझो। ठीक है, वरना ऊपर से निकलने लगेंगी बातें। अच्छा एक चीज़ बताओ, अब मैं बोलता हूँ कि जब मैं ए को बी में मिक्स करूँगा ना, पहली कंडीशन ये, कंडीशन वन, ठीक है, कि जब भी मैं ए को बी में मिक्स करूंगा देन इट रिक्वायर्स हीट। इसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ए को बी में मिक्स करना है तो मुझे हीट चाहिए। तुम जितना ज़्यादा हीट दोगे उतना ज़्यादा ए बी के अंदर मिक्स होता चला जाएगा। तो मैंने क्या कहा, चल भैया तुझे हीट चाहिए मैं तेरे को हीट दूंगा, है ना? ऐसी रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक ना, ये क्या हो गया? एंडोथर्मिक हो गया कि इट रिक्वायर्स हीट, इट रिक्वायर्स हीट, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मैंने भी वही किया, मैंने अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि उसे हीट मिले, जो उसे चाहिए था मैं उसे देने लगा, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता गया वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज
होती चली गई, समझ आया? लेकिन एक दूसरी कंडीशन मिली, उसमें क्या बोला गया, ए आपका सॉल्यूट है फिर से, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट चेंज हो गया, अब मैं सी मान लेता हूं सॉल्वेंट को, ठीक है, और कंडीशन क्या थी, बोला गया डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है। डिसोल्यूशन मतलब वही उनके मिक्स करने का प्रोसेस, इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, उन्हें मिक्स करने का प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक वर्ड का मतलब समझते हो, मतलब जब मैं ए को, ठीक है, मिक्स कर रहा हूँ, ए विल बी मिक्स इन बी, तो क्या हो रहा होगा, तब हीट रिलीज हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, और एक बड़ा अच्छा फिनोमिना है, अगर मेरा अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तभी तो हीट अंदर से बाहर जाती है ना, ऐसा ही होता है ना। ऐसा हो सकता है कि मेरा अंदर का 40 है, बाहर का 100 है, मेरे बाहर की चीज बाहर की तरफ हीट जाने लगे? नहीं समझ आया? थोड़ा और आसान एग्जांपल देता हूँ। तुम एक चाय को लेकर रखो हाथ में, अब वो चाय तुम शिमला में जाके पियोगे तब जल्दी ठंडी होगी या राजस्थान में? पक्का शिमला पे जल्दी ठंडी होने वाली है, क्यों? तुम्हारा चाय का टेम्परेचर मान लो 40 है या 50 है और बाहर शिमला का टेम्परेचर 20 है, तो भैया ठंडे इन्वायरमेंट की वजह से आपकी जल्दी जल्दी हीट निकली है ना। लेकिन राजस्थान में ये टेम्परेचर 20 नहीं था, कितना था मान लो 60 था, वैसे वहाँ तो तुम ही जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन मान लो 60 डिग्री सेल्सियस था, तो तब तो मेरी चाय और गर्म हो जाएगी ना। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, क्योंकि मेरी जो रिएक्शन थी वो एक्सोथर्मिक थी, उसे हीट को रिलीज करना था। अब अगर मैं अपना टेम्परेचर बढ़ाने की गलती करता हूँ, मैंने अपने आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो क्या वो हीट रिलीज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और जब हीट ही नहीं रिलीज होगी तो क्या ए बी में मिक्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। समझ आ गया अच्छे से? या एक और बार देख लो अच्छे से, ए को बी में मिक्स होना है, उसमें वो हीट को रिलीज करना चाहता है कि भैया मैं हीट रिलीज कर पाऊंगा तभी मैं बी में मिक्स होऊंगा, ठीक है, या सी, वैसे सी था ये, सॉरी, ठीक है, सी था, तभी मैं उसके अंदर मिक्स होऊंगा। तुमने क्या गलती कर दी? तुमने आसपास का टेम्परेचर ही बढ़ा दिया। आसपास का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो बेचारा हीट ही नहीं रिलीज कर पा रहा, क्योंकि अब बाहर का टेम्परेचर ही ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्योंकि हीट रिलीज नहीं हो रही, इसलिए सॉलिबिलिटी भी नहीं हो रही और उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो गई। समझ आ गया? तो इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में लिखा है। अब मेरे ख्याल से बातें ज़्यादा समझ आ रही होंगी। एंडोथर्मिक, हीट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो तुम हीट देते जाओ, हीट कैसे दोगे? टेम्परेचर बढ़ा के। टेम्परेचर बढ़ाया, सॉलिबिलिटी बढ़ गई। दूसरे केस में हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे हीट नहीं चाहिए, वो हीट रिलीज करेगा, तब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ गया अच्छे से? चलो, तो भैया दो फैक्टर देख लिए, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर होता है हमारा प्रेशर। अब जब भी आप किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हो ना, तो खुशी की बात यह, बेचारा प्रेशर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, उसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं ना, इसलिए इसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब ये कोई बड़ा चेंज नहीं कर रहा होता। समझ आ गया आप लोगों को? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन समझ आ गया, उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर समझ आ गए। आगे तो हम लोग अब आगे की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, चलो। हाँ बच्चों, तो अभी अभी हम लोगों ने अपना सॉलिड इन एंड लिक्विड पढ़ लिया, जो पहला साल लगा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैस इन अ लिक्विड, मतलब अब मेरा सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है मेरी एक गैस जिसको मुझे लिक्विड के अंदर मिक्स करने की कोशिश करनी है। कुछ भी मान सकते हो आप इस लिक्विड को, गैस को मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये लिक्विड आपकी वो कोल्ड ड्रिंक है जिसके अंदर आपको उसे मिक्स करना है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या क्या फैक्टर इसे इफेक्ट कर रहे होंगे। चलो पहला हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि कैसे रिलेट करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हेनरीज लॉ का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? हेनरीज लॉ को। इसकी डेफिनेशन देखो, फिर मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ। इट स्टेट्स दैट
द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. बड़ी टफ डेफिनेशन थी, थोड़ी इजी वाली देखते हैं. इजी वाली इसका क्या कहती है कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस है वो डायरेक्टली प्रेशर प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रेशर ऑफ द गैस. कि उस गैस के ऊपर जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, ठीक है, आपकी सॉलिबिलिटी उतनी गैस की बढ़ती चली जाएगी. समझ आया? चलो इससे जरा एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करते हैं. चलो बच्चों इसी इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं. भैया मान लो मैंने एक क्लोज टैंकर ले लिया, ठीक है, ये मेरा क्लोज टैंकर है, ये मूवेबल, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन रखी गई है, ठीक है, मतलब इसे मैं मूव कर सकता हूँ. ये इसके अंदर मेरा सॉल्वेंट है, ये क्या है मेरा सॉल्वेंट, और ये उसके ऊपर गैस के पार्टिकल्स. ओके, अब अभी इसके अंदर थोड़े बहुत गैस के पार्टिकल्स मिक्स हो गए मान लो सॉल्वेंट के अंदर. अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे पिस्टन से जो है, अभी मत बोलना भैया ये वाला तो बड़ा हो गया टैंकर, वो सेम साइज का था, गलती से बन गया, ठीक है. अब मैंने क्या किया, पिस्टन को प्रेस किया नीचे की तरफ, ठीक है, मैंने नीचे की तरफ प्रेस किया, तो प्रेशर यहाँ के मुकाबले बहुत हाई हो गया. लो इसका पहले तो साइज छोटा कर लो यार, वरना इस पर, ठीक है, अब सही है, अब इतने से साइज में है. अब पिस्टन का साइज छोटा हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस जो है वो इसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगी. जितना ज़्यादा मैं ऊपर से प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ उतनी ज़्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी इसके अंदर बढ़ती जा रही है ना, लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है गैस की. समझ आ गया? ऊपर से प्रेशर बढ़ाते जाओ, नीचे सॉल्युबिलिटी जो होगी गैस की लिक्विड के अंदर वो मिक्स होती चली जाएगी. क्लियर अच्छे से? बस तो अगर ये चीज समझ आ गई तो अब हम डेफिनेशन को दोबारा से एक बार चेक करते हैं. वही चीज तो बोली गई थी ना कि जितना आपका पार्शियल प्रेशर उसके ऊपर गैस का होगा वेपर फेज में, वेपर फेज में उसका जितना भी प्रेशर लग रहा होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के, ठीक है, कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना मौजूद है गैस का, ठीक है, कितने अमाउंट में मौजूद है. मैंने बोला था मोल फ्रैक्शन क्वांटिटी का बहुत यूज होने वाला है. जस्ट देखो यहीं से ये फॉर्मूला बना, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के. मोल फ्रैक्शन का साइन क्या था, काय था ना. इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया जिसे हमने नाम दिया हेनरीज कांस्टेंट. क्या नाम दिया? हेनरीज कांस्टेंट. इसके बारे में अभी मैं बहुत बातें करने वाला हूँ, ठीक है. चलो यहाँ से ग्राफ तो दिख गया, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है, वाई एक्सिस से प्रेशर, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, और ये के एच क्या हो गया मेरा, हेनरीज कांस्टेंट. क्लियर? समझ आ गया हेनरी लॉ क्या बात करता है, कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी. चलो अब इसके एक्स्ट्रा फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे रिलेट करता है. चलो बच्चों इधर देखो, अब यहाँ पे पी इक्वल टू के एच काय था, ये फॉर्मूला तो वही है जो मैंने पीछे अभी अभी दिखाया, देखा था ये फॉर्मूला. अच्छा इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, के एच इक्वल टू, ये एच छोटा सा साइन है नीचे जो हेनरीज कांस्टेंट के लिए शो कर रहा है, पी अपॉन काय होगा. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हेनरीज कांस्टेंट जो है वो मोल फ्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और मोल फ्रैक्शन सॉलिबिलिटी की बात कर रहा है ना. इसका मतलब ये टर्म जितना बड़ा होता जाएगा ये टर्म उतना ही छोटा होता जाएगा. और बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये तो मैं वैसे भी बता सकते हैं, ठीक है. मान लो ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा कांस्टेंट होगा के एच, और ये मेरा काय है. तो बी इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, टू इंटू टेन, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ टेन इंटू टू. जितना ज़्यादा काय की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज़्यादा मेरा के एच की वैल्यू बढ़ाते जाओ, मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी. कब? जब प्रेशर सेम हो. लेकिन ऐसा क्यों होता है? मैंने पीछे ही मेंशन किया था, ये जो के एच है ना ये गैसेस के हिसाब से बदलता रहता है. मतलब ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है ना, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. अलग अलग गैसेस के लिए के एच की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है. मतलब हर एक गैस की सॉलिबिलिटी भी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर अलग अलग होगी. चलो देखते हैं, यहाँ मैंने दो गैसेस ली, एक हीलियम ली, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड ली. तीन टर्म्स में मैं आपको इनके साथ रिलेट करवाऊंगा. पहला, भैया देख रहे हो इसकी के एच की वैल्यू कितनी हाई है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कम वैल्यू है के एच की. इससे ये तो पता चल गया जिसकी के एच की वैल्यू हाई उसकी सॉलिबिलिटी कम. हीलियम आसानी से सॉलिबल नहीं होती, जबकि CO2 आसानी से सॉलिबल होता है, इजिली लिक्विफाइएबल गैस है ये,
क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया गया था इसके बारे में कि CA2 इज ए इजली लिक्विफाइबल गैस, ठीक है। इसके पार्टिकल्स पास पास होते ही आसानी से आपका मिक्स हो जाता है, ठीक है। चलो पहली चीज़ समझ आई सॉल्युबिलिटी वाली चीज़ से, ठीक है। और कहाँ से रिलेट कर सकते हो इसको? हाँ भाई, तो इसके पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से मूव करने से कैसे पता चल गया मुझे? तो क्लास 11th में एक चैप्टर था काइनेटिक थ्योरी, वहाँ पे याद है डिफ्यूजन का फॉर्मूला था, ठीक है। वहाँ पे हमें इस चीज़ के बारे में बताया गया था, रिलेट करके दिखाया था, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी पार्टिकल्स की। तो यहाँ पे CO2 का मास ज़्यादा है हीलियम के मुकाबले, ठीक है। अल्टीमेटली आपको वो सब चैप्टर्स दोबारा से नहीं पढ़ने, आपको क्या चीज़ पढ़नी है कि KH की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो उस चीज़ की सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, समझ आ गया। चलो हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। हमने इसके एप्लीकेशन देखे तो हमने पहला तो यही पाया, CO2 को जब सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मिलाते हैं, ये भी इसका एग्जांपल हो गया, गैस को मिलाया जा रहा है लिक्विड के अंदर। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो आपकी बॉडी में बहुत सारा लिक्विड है ना, वाटर से ही बनी है हमारी बॉडी 70% लगभग, ठीक है। जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ प्रेशर बहुत लो हो जाता है। लो प्रेशर होने की वजह से जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत कम होने लगती है, उसका कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाता है, इसलिए हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। एट हाई एल्टीट्यूड्स देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसी बीमारी को क्या कहा जाता है? एनोक्सिया। ओके, समझ आ गया हेनरीज लॉ? चलो अगर इतना समझ आ गया तो ज़रा इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ भैया, तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो ज़रा। बोला गया एक H2S गैस है, ठीक है, अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट HCP इज 0.195 m, कैलकुलेट द हेनरीज कॉन्स्टेंट। अब क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं है जितना लग रहा है, इसको ज़रा समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो HTP से उसने एक बात तो क्लियर कर दी, प्रेशर की वैल्यू। फॉर्मूला तो हमें पता है, P = KH का लगेगा, ठीक है, जिसमें से प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वैसे 0.987 बार होता है, ठीक है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर नंबर, लेकिन लगभग यही होता है। और मैं अभी इसको 1 बार मान के चलता हूँ। कितना मान के चलता हूँ? 1 बार। अगली चीज़ आती है, ये तो मुझे पता चल गया, ये मुझे निकालना है। अब बचता है ये पार्ट, ठीक है। अब मुझे कैसे, क्या चीज़ निकालनी है? मोल फ्रैक्शन। दिया क्या गया है मुझे? मुझे दी गई है मोलैलिटी। अभी यह मोलैलिटी कितनी दी गई है? 0.195 m। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब समझो, इसका मतलब है 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ वाटर, यही होता है ना। अब मुझे क्या निकालना है? काई निकालना है। ज़रा काई को समझो, काई किसका निकालना है? H2S के लिए निकालना है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सही कर रहा हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तो उसने दे ही दिया है, 0.195, है ना। लेकिन वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स? भैया 1 kg वाटर है ना, 1 kg मतलब वाटर का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। और वाटर के 1 मोल का जो वेट होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम। इट मीन्स 1000 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे? 55.5 मोल्स। समझ आ गया? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी मिल गया, कितना? 55.5 मोल्स। डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा आप लोगों का, ठीक है। निकल गई वैल्यू, काई की वैल्यू मिल गई आप लोगों को, इसे सॉल्व करके काई की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो, मैंने आप लोगों को काई फाइंड करवा दिया, मोलैलिटी सेम, मोल फ्रैक्शन फाइंड करा दिया, प्रेशर फाइंड करा दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 बार। अब भैया जब 2 चीज़ें मिल गई हैं तो KH निकालने के लिए क्या करना है? P/KI डिवाइड कर देना, आप लोगों को आपका आंसर मिल गया। सिली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? वो सीधा इसको उठा के रख देते हैं वैल्यू, कि हाँ बस यही तो नंबर दिख रहा है, पुट करो आंसर निकाल दो, और उनका आंसर गलत हो जाता है। समझ आ गया बच्चों? तो ये था हेनरीज लॉ का एक न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड,
तो भैया प्रेशर का तो इफेक्ट पड़ लिया, जरा टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ लिया जाए लास्ट चीज़, ठीक है। चलो टेम्परेचर के लिए देखें। अब भैया टेम्परेचर के लिए बड़ा आसान है, जब भी आप किसी गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स कर रहे होते तो ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक होने का मतलब जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अरे बड़ा आसान है रिलेट करना यार, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, जो मेरे पार्टिकल्स होंगे गैसियस पार्टिकल्स, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो तेज़ी से मूव करने लगेंगे। तेज़ी से मूव करेंगे तो उनका डिफ्यूजन भी तो तेज़ी से होगा ना, मतलब वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेंगे, एस्केप करेंगे लिक्विड से, तो पक्का उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई ना। क्लियर हुआ कुछ ऐसा? मान लो यहाँ पे पहले 5 पार्टिकल थे लिक्विड के अंदर गैस के, अब जैसे यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई और इनमें से 2 पार्टिकल निकल के बाहर भाग गए, तो अब कितने पार्टिकल्स बचे? 3 ही तो बचे ना अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो गई। समझ आ गया सबको अच्छे से? यही रीज़न है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है ना ऑक्सीजन का, वो हाई होता है। क्लियर बच्चों? हेनरी लॉ फिनिश हुआ पूरे तरीके से? चलो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं विद द रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, एजीट्रोप्स वगैरह के साथ, ठीक है। बाय बाय।